नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार में 17 नगर निगमों में मेयर, डेप्यूटी मेयर और वार्ड पार्षद पद का जो चुनाव था उसका रिजल्ट अब आने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 जगहों पर मेयर जो है वो महिला बनी है और 7 जगहों का जो रिजल्ट है वो अभी आना बाकी है, अभी काउंटिंग वहाँ चल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पटना शहर की जो मेयर है वो एक बार फिर से सीता साहू बनी है और डेप्यूटी मेयर जो है वो रेशमी चंद्रवंशी बनी है। आगे और किस तरीके से वार्ड के कौन से पार्षद बने ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। चौथी बार, धन्यवाद। इस बार वार्ड के लिए क्या नया होगा बताइए? वार्ड के लिए सब कुछ होगा, नया पुराना जो होगा सब वार्ड के लिए, जो बचा काम है सब पूरा होगा। कितने आसान्वित थे अपनी जीत को लेकर? 100% आसान्वित थे। जो आपका इलाका है जल जमाव का इलाका है, बहुत आपने काम भी किया था, आपको क्या लगता है कि इस बार जब चुनाव जीते हैं और जनता ने रिपीट दर्द रिपीट आपको किया है, इस बार क्या बड़ा काम होगा कंकड़बाग के लिए? कोशिश करें कि पानी एकदम नहीं लगे, जल जमाव नहीं हो। सड़क बनवाना है, सड़क का स्थिति खराब है मेरे यहाँ, सड़क पर फोकस रहेगा। सबसे बड़ा जीत माना जा रहा है, सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है आपके वार्ड को बताइए। आप सभी मीडिया से के माध्यम से हम वार्ड 44 की जनता को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। यह जीत वार्ड 44 की जनता की जीत है। तानाशाही खत्म हुआ, काम हुआ। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए आप पहले? मेरा मैनिफेस्टो में जो भी काम था उस पर अब मेरी पूरी टीम एक साथ बढ़ चढ़ के काम करेगी और जल्द से जल्द उसका निष्पादन करेगी। क्षेत्र में नहीं है, क्षेत्र के बगल हमारे क्षेत्र में जो भी पार्क है वो बढ़िया पार्क है। चलिए, आप विकास का कार्य करेंगे जी, आप जनता के हित के लिए जनता का सेवा करेंगे। 5 साल कितना वोट से जीते? 521 वोट से। वार्ड नंबर क्या है सर आपका? 1271। ये कैसा लग रहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पूरे वार्ड 71 की अपने अभिभावकगण, बताओ बहनों और हमारे ऊर्जावान भाइयों बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि उन सबकी जीत है। और मैं जैसे पहले भी मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य का काम किया है, आगे भी उसे लेके जाऊंगी। धन्यवाद। सभी की मेयर हो, डेप्यूटी मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, सभी को जनता ने चुन लिया है और अब देखना यह होगा कि कौन से जो जनप्रतिनिधि हैं किस तरीके से जनता का सेवा करते हैं, कहाँ पे किस तरीके का विकास होता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।